जमीन कब्जाने और आगजनी के आरोप में फंसे कानपुर के सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी ने शुक्रवार को पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड की कार्यालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। डीसीपी क्राइम सलमान ताज पाटिल ने बताया कि सपा विधायक के खिलाफ नॉन वेलिएबल वारंट जारी करने के बाद कई राज्यों में उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही थी। उनका कहना है कि सपा विधायक और उनके भाई को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दोनों के खिलाफ जो भी साक्ष्य उपलब्ध हैं उसके अनुसार न्यायालय से रिमांड के लिए अनुरोध किया जाएगा। उसके बाद जो अन्य मुकदमे हैं उन पर भी रिमांड लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि विधायक की तरफ से जो भी बयान दर्ज किए जाएंगे वह भी केस डायरी में दर्ज होंगे। विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी मुख्य आरोपी हैं। इन लोगों को लगातार पुलिस ढूंढ रही थी। नॉन अवेलेबल वारंट भी इशू किए गए थे, कई राज्यों में पुलिस ने दबिश दी थी। आज पुलिस के अथक प्रयासों के बाद इन्होंने अपने आप को पुलिस के सामने सीपी कार्यालय में प्रस्तुत हुए और आत्मसमर्पण किया। उसी केस में पुलिस ने इनको इमीडिएटली अरेस्ट कर लिया है और दोनों को आज को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा और अग्रिम कार्रवाई इसकी की जाएगी। जो भी साक्ष्य उसमें उपलब्ध हैं उसके अनुसार अगर आवश्यकता पड़ती है तो पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए न्यायालय से अनुरोध किया जाएगा और उसके बाद जो अन्य मुकदमे हैं उसमें भी रिमांड उसके बाद लिया जाएगा। सपा विधायक इरफान सोलंकी की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी ने माननीय न्यायालय पर भरोसा जताया है। उनका कहना है कि हमको कोर्ट से राहत जरूर मिलेगी। कोर्ट से हमको जो है राहत मिलेगी इंशाल्लाह। और ये जो मुकदमे हैं सब जानते हैं, सब साजिश है। कोर्ट से हमें पूरी सारी कार्रवाई करेंगे। देखिए, पिछले दिनों जब विधायक जी के खिलाफ किसी महिला की कोई तहरीर दी गई थी जिसने उसमें आरोप लगाया था कि रात में घर को जला दिया गया है, अगर उस तहरीर के बाद कमिश्नर साहब या पुलिस कमिश्नरेट अगर विधायक जी को बुलाकर पूछती कि भाई हमारे पास इस तरह का, जैसा कि होता है किसी के खिलाफ भी कोई तहरीर दी जाती है तो पुलिस जिसके खिलाफ दी जाती है उसका वर्जन लेना चाहती है। और जब वर्जन लेने का तरीका 15 थानों की फोर्स के द्वारा घर में कूद कर दहशत का माहौल बना देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।